सब्सक्राइब करें इनका चैनल है राइडर लव जाटर। वो देख लिया था वहाँ से, मैंने देख लिया था लेकिन वो टर्न में बड़े आगे जाइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भाई वाह, इंदौर एमपी से। देखते हो व्लॉग्स? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि मैं उनसे बेहतर करूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। सो गाइस, आज की अपनी जो डेस्टिनेशन है वो है कटरा से सीधी बनिहाल। आज हम जाने वाले बनिहाल, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम मिलता है और कौन कौन से रूट आप कहाँ कहाँ से जा सकते हो वो सारी सारी डिटेल मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूँ। सो गाइस, ये लद्दाख रोड ट्रिप 2024 का 5th एपिसोड है और हम आज जाएंगे कटरा से सीधे बनिहाल। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भाई वाह, इंदौर एमपी से। देखते हो व्लॉग्स? ठीक है, थैंक यू। बहुत दूर से आया बेचारा ये बच्चा, भागता हुआ के भैया 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 जी भैया जी भैया जी, मुझे आप एक बात ऐसे करता हुआ फिर बोलने लगा कि मैं व्लॉग्स वगैरह सब देखता हूँ। लेकिन ऐसा है ना, बच्चों को तो दिखता है कि राइडर है तो बोल देते हैं कि हाँ भाई मैं आपके व्लॉग भी देखता हूँ। और ये जितनी भी मार्केट दिख रही है आपको सारी की सारी कटरा की है, और कटरा से ये जिस रूट को मैं जा रहा हूँ ना वो रूट है सीधा उधमपुर के लिए। एक रूट आएगा उधमपुर से पहले कट जाता है और एक रूट है कटरा से सीधा उधमपुर निकलता है जा करके, तो मैं उसी रूट से जा रहा हूँ। बाकी बीच रास्ते में सबसे पहले अपनी चेन वगैरह सेट कराएँगे, फिर मतलब बाइक की चेन वगैरह कराते हैं। काफ़ी दिन से मैंने चेन ल्यूब वगैरह नहीं किया है जब से घर से चला हूँ, तो पहले चेन ल्यूब वगैरह करते हैं और फिर निकलेंगे आगे के लिए। तो जी देखो, यहाँ पर ना भंडारा चल रहा है, जैसे हमारे लंगर लगता है ना इसी तरह से लंगर लग रहा है। तो भाइयों ने रोका है और रोक कर कह रहे भाई ये खा के जाओ, बाद में जाना आगे। चलो ठीक है, थैंक यू भाई जी, जय बजरंग बली। तो देखो भाई, यहाँ पर ये सूजी का हलवा ही है ना ये, या कुछ और है, मतलब हलवा टाइप का हरा सा, और घी तहर रहा है इसके चारों तरफ। ये देखो ये देखो भाई, ओहो ये गिरा। तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, मैं हूं अभी टिकरी में, टिकरी वाला हाईवे लिया है मैंने। और भाई मेरे पास ना कल परसों से मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे। यहां पर ना एक मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो एक मतलब सब्सक्राइबर जो है ना वो छोटा बच्चा है, और उसके पापा का फ़ोन आया मेरे पास में कि भैया प्लीज़ एक बार मिल के ज़रूर जाना, मेरे बच्चा ज़िद कर रहा है कि आपसे मिलना है, आपकी सारी वीडियोस वो देखता है, और वो बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए। स्कूल भी नहीं जा रहा था वो, मतलब ये बोल रहा था कि मुझे स्कूल में नहीं जाना, पहले उनसे भैया से मिलना है, मतलब मुझसे राइडर लव जाट से मिलना है। तो फिर मैंने उससे कॉल पर बात की, और भाई सुबह मतलब अब वो स्कूल की उसकी छुट्टी हो गई होगी, हम लेट निकले इसी वजह से कटरा से, जानबूझ के मैं कटरा से लेट निकला क्योंकि उसकी छुट्टी भी हो जाएगी स्कूल से और उससे हम मिल के चले जाएंगे। पता नहीं यार फिर कभी मिलना हो ना हो, तो वो ना उधमपुर में रहते हैं और मैं उधमपुर पहुंचने वाला हूं, तो उनसे मिलते हैं, मिल करके तब आगे चलेंगे। ठीक है गाइज, और मिलवाता हूं मैं आपको भी छोटे में, और मतलब मुझे भी ये खुशी हो रही यार मतलब उस बच्चे से मिलने की, क्योंकि वो इतनी जिद कर रहा था ना मिलने के लिए। भाई क्या बताऊँ, मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि यार मैं क्या था क्या नहीं था और अब कैसा है। मतलब लोग भले मुझे पैसा ना आता हो, इतना कुछ ना आता हो, लेकिन लोग प्यार बहुत करते हैं यार, ये बात तो है। मतलब मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूँ जिससे ना लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिल रही है इस चीज़ से भाई। सो देख रहे हो भाई लोग कितना प्रेम करते हैं हम अपने सब्सक्राइबर्स से, उनके लिए वेट कर रहा हूँ मैं कितनी देर से, लगभग 10-12-15 मिनट हो गई होंगी मुझे खड़े खड़े, क्योंकि बच्चा स्कूल से लेके आ रहे हैं, वो स्कूल गया था वहाँ से लेके आ रहे हैं उसके फादर, और बात करवा रहा हूँ, देखो उधर बात करा रहा हूँ कि कहाँ पे खड़े हैं हम। अरे भैया, वेट तो नहीं करना पड़ेगा, हमने आपको देख लिया था वहाँ से, मैंने देख लिया था लेकिन वो टर्न में बड़े आगे जाइए नहीं।
और भैया कैसे? हाँ जी, खुश हैं आपके? अरे इसको छुट्टी करा दे रहा है भैया स्कूल से, इसका मैच था ना स्कूल में। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? सरन। सरल सरल सरल। अच्छा, अरे इतनी ऊंची कौन सी है? इतनी ऊंची मतलब टाइगर 800 है? खुद ग्राइड नहीं आती है, एक वो जो इससे ऊंची आती टाइगर? है टाइगर, इसके इसके ऊपर जो आती है, एक आती है GS 1250 आती है, वो उसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर है। एक्सपल्स इससे ऊंची नहीं आती। ये एक्सपल्स है ना? ये एक्सपल्स इससे ऊंची, एक्सपल्स नहीं आती कोई। उन्होंने खुद बनाई, खुद करी है, बड़ी बड़ी करी है। अच्छा, हो सकता है रैली किट लगा के वो थोड़ी बड़ी हो जाती है ना वो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर मॉडल प्राइमरी की। कौन कौन सी क्लास में सारे? ये 8 में और 6 में पहुंच भी गया। तुम्हारी उम्र में तो हम तीसरी क्लास में थे। चलो अब चलते हैं भाई यहाँ से। चलें भाई मंजीत, चलें। ठीक है सर, चले भैया। आ गए, आ गए ब्लॉग में, आ गए। हाँ गोप्रो ऑन है, क्या बोलना चाहोगे? बोलना चाहूंगा आपको सब्सक्राइब करें। हाँ क्या बोलना चाहेंगे आप? सारे लोग इनको सब्सक्राइब करें। थोड़ा तेज तेज से, सारे लोग इनको सब्सक्राइब करें। इनका चैनल है राइडर लव जाटर। भाई वाह, चलो बाय बाय। ठीक है, कौन ये भी जाटी हैं? बाय वाह। अच्छा बढ़िया, मिलते रहेंगे सर, इधर तो आना जाना लगा रहता है। बहुत अच्छा लगा भाई, लोग मतलब भैया से मिला और उनके बेटे से मिला, सच में बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। मतलब उनका एक तो नेचर बहुत अच्छा है, एक तो वो ना आर्मी से हैं तो आर्मी वालों का तो नेचर वैसे ही अच्छा होता है, और उनका नॉर्मली वैसे भी नेचर अच्छा है। तब वो बता रहे थे मुझे कि मैंने यहाँ राइड किया है, और जब यूट्यूब वगैरह नहीं था या कुछ भी नहीं था, और ये कैमरे वगैरह भी बहुत कम चलते थे, तब मैंने पूरा ऑल इंडिया घूमा हुआ है अपनी कार से। तो भाई यार मतलब मज़ेदारी तो उसमें है जब यूट्यूब वगैरह ना हो, हमें तो मजबूरी में करना पड़ता है कि हाँ भाई कैमरा यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो सच बताओ तो हमारा खर्चा कहाँ से निकलेगा, ये है मेन बात। चलो जी आ गए हम उधमपुर, और ये मेन उधमपुर के लिए रास्ता जा रहा है अंदर, ये पीछे की साइड से आ रहा है बाहर बाहर रास्ता जो हाईवे है, और यहाँ से हम सब जगह जा सकते हैं। जैसे यहाँ से चेनानी टनल है 21 किलोमीटर, पटनी टॉप है यहाँ से 45 किलोमीटर, बहुत सारी हैं, रामबन 48 किलोमीटर है। हमें जो मतलब जो जाम मिलने वाला है रामबन मिलेगा, और श्रीनगर लेह के लिए देखो ये सेम यही रास्ता जाएगा, इस हाईवे को छोड़ना नहीं है कहीं भी। तो चलो जी पेट्रोल वगैरह डलवा लेते हैं, ये जब से मैं घर से चला हूँ तीसरी बार पेट्रोल डलवा रहा हूँ, थर्ड टाइम, इस बार भी आई थिंक 1000 रुपये का ही आ जाएगा, हो जाना चाहिए 1000 का। नहीं जो तेल जो मारते हैं वो कैसे मारते हैं भाई, जो तेल मार लेते हैं कम देते हैं वो कैसे देते हैं? बस 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 1004 रुपये। चलो जी ये भी फुल हो गया। तो भाई लोगों जैसे ही हम टनल के पास पहुंचने वाले थे, चेनानी टनल पड़ती है उससे 5 किलोमीटर ही पहले था, तुरंत ना बारिश स्टार्ट हो गई बहुत तेज की। फिर मैंने एक होटल पर रोकी बाइक, होटल पर रोकने के बाद में खाना वगैरह खा लिया, अब निकल गए दोबारा से। और होटल पर हमारा जो खाना खाया ना हमने तीन बंदों ने मिल के, वो आया 230 रुपये का, 290 रुपये का खर्चा आया, जिसमें हमने खाना भी खाया चाय भी पी सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ है 290 रुपये में। अब टनल आने वाला है, टनल को क्रॉस करेंगे, टनल भी बहुत लंबा है। टनल को क्रॉस करने के बाद या तो बेजोड़ मतलब बेअंत बारिश मिलने वाली है, या फिर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा, क्योंकि टनल क्रॉस करते के साथ ही मौसम चेंज हो जाता है पूरे का पूरा। तो भाई देखो जैसे मैं कटरा से निकल के आया, उधमपुर क्रॉस किया, अब दो रास्ते आएंगे आपके लिए, एक जाएगा नीचे की साइड और एक जाएगा ऊपर की साइड। तो दो रास्ते होते हैं ये, नीचे की साइड आप जाओगे तो 20 किलोमीटर पर आगे आपको पड़ेगा पटनी टॉप, और ये वाला रास्ता है चेनानी टनल जो कि श्रीनगर के लिए जाता है।
तो आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। अगर आ रहे हो, मेरी वीडियो देखते हो और आ रहे हो, तो आपको किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, मैप लगाने की जरूरत नहीं है। उधमपुर, उधमपुर से सीधा ये वाली टनल के लिए रास्ता आएगा, एक नीचे की साइड जाता है जो कि जाएगा आपका पटनीटॉप, और दूसरा रास्ता आपका जाएगा चेनानी और रामबन, बनिहाल, और बनिहाल से फिर सीधा श्रीनगर। ये टोल वगैरह मैंने क्रॉस कर दिया है, और टोल क्रॉस करने के बाद में ध्यान रखना क्या नाम है, चेनानी टनल, ये रहा चेनानी नसीरी टनल वे लिमिटेड। इस वाले टनल से हम जैसे एंटर करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे पार दूसरी साइड, और दूसरी साइड कौन सी आ जाएगी, रामबन की। तो ये देखो कितना प्यारा है अंदर से, जैसे आपने अभी तक मनाली की साइड से जाते हो ना और उधर टनल पड़ता है, तो इधर भी ना दो तीन टनल पड़ते हैं इसी तरह से लंबे लंबे। अब कितने कितने लंबे ये तो मुझे भी याद नहीं, एक तो शायद 29 किलोमीटर का कुछ इतने लंबा टनल है वो, और अभी एक टनल और बनने वाला है जो कि फिर हम ना किसी भी सीजन में लद्दाख जा सकेंगे, जो कि बनेगा जोजिला और द्रास के बीच में। तो भाई इस जगह को देख करके, इस जाम को देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं अभी कहाँ पर होऊंगा, किस जगह के आसपास हूँ, आप बताओ। देखो भाई जब कभी भी आया हो ना, ये जाम परमानेंट मिला है, और इस बार तो बहुत पहले से मिल गया मेरे को, पहले मिलता था रामबन क्रॉस होने के बाद, अब तो रामबन से पहले ही मिल गया, रामबन से भी मैं 18 किलोमीटर पहले हूँ, वहीं से जाम लगा पड़ा है। तो ये लो जी हम पहुँच गए हैं रामबन। अब रामबन में से भी दो रास्ते हैं, आप अगर आप लद्दाख आओगे ना श्रीनगर जाने के लिए, दो रास्ते आएंगे। देखो ये वाला सीधा जो रास्ता है ये चला जाएगा बाहर बाहर, ठीक है, और ये वाला रास्ता है ये निकलेगा आपका, अगर आप इसे फ्लाई ओवर क्रॉस करके जाओगे तो ये निकलेगा रामबन के बीच से, और ये देखो बीच में रिवर, ओहो कितना मस्त नज़ारा, ओहो हो सामने भाई साहब स्नो के पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए, भाई सामने स्नो दिखने शुरू हो गई, बोरे सामने भाई मज़ा ही आ जाएगा। ओहो एक टनल क्रॉस करते ही हमें ठंड लगनी स्टार्ट हुई है, दूसरा टनल स्टोर जैसे हम टनल वो करेंगे ना क्रॉस, तो भाई हमें जैकेट वगैरह अपनी निकालनी पड़ जाएगी, गर्म कपड़े, क्योंकि आगे ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस। ये देखो ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, देख रहे हो भाई कितनी मेहनत, कितनी मिट्टी, कितनी धूल हमें खानी पड़ती है, इतना संघर्ष करने के बाद में व्यूज कितने आते हैं, 1,000, 500, 1,500, शिट, लाइक कर दो इसी बात पे। साहब आपका क्या जाता है, आपको बस एक लाइक ही तो करना है। देखो ये इस तरह से ना, अभी कुछ समय बाद ना सब कुछ एकदम ओके हो जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 साल के अंदर यार रापचिक तरीके से जाओगे, रापचिक तरीके से आओगे, एकदम ना कोई जाम मिलेगा ना कुछ मिलेगा, एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ से ना जाम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बनिहाल आने वाला है, अभी हम एक जाम से निकल कर आए हैं, अब दूसरे जाम में फंसने वाले हैं। देखो यहाँ से लेके वहाँ तक ना जाम लगा हुआ है, यह पिछले बार जब मैं था तब भी यहीं पर इन मेन जगहों पर जाम मिलता है भाई। हमें निकलने की जगह है क्या कहीं को, आट दिया भाई धुएं ने, सीधा नाक में मुंह में घुसाया धुआं ट्रक का डीजल का। पता नहीं किस चीज़ का जाम, मतलब याद तो था मुझे, अब याद नहीं आ रहा कि किस चीज़ का जाम लगता है यहाँ पर, लास्ट टाइम भी मैं यहीं से निकला था जाम से, या तो यहाँ चौकी होगी कोई, या फिर क्या होगा, कोई शहर है, चौकी है। और भाई देखो यहाँ के ना जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के पास में ना गन होती है, गन, हमारे यहाँ के पे तो लाठी दे देते हैं, लो सिपाही को लाठी दे देते हैं, यहाँ को तो भाई साहब गन मिलती है पूरी पुलिस वालों को भी, और आर्मी के पास तो सब कुछ होता ही है भाई, आर्मी तो यहाँ चप्पे पे मिलेगी आपको। ओ मियाँ खान साहब बन जाओगे, हो गया खुल गया, चलो ले भाई, इस जाम का क्या किया जाए, तेरी मैं भी ऐसे उड़ाता ले जाऊंगा जहाँ टक्कर लगेगी जब देखेंगे, चल बेटे। देखो पूरी रोड ही टूटी पड़ी रहती है यहाँ, और डुम 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 डमक डमक डुम डुम,
इन्हें ना मतलब कोई भी पुलिस वालों को लग रहा जाम लगा रहने दो, क्योंकि इनके लिए रोज का हो गया है भाई ये। इस तरीके से तो रोज जाम लगता है इनके लिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइक कह रही होगी यार कहाँ फंसा दिया मैं, इधर नहीं। चलो भाई हम तो निकल गए, आगे चल के ही पता चलेगी। देखो भाई इसको बोलते हैं ड्राइवरी, बिल्कुल चिपका के निकाला है। अब इससे अगले वाला भी ऐसे निकालेगा, जगह नहीं है फिर भी निकालना। देखो ए देखो ए ए ए ए ए निकाल दे भाई, खिलाड़ी हैं सारे ये। जैसे मैं खिलाड़ी बनूंगा अब यहाँ से निकाल के साइड में वो। ओ भाई तू इधर को मत करिए रे, ओए नहीं नहीं। तो भाई जाम में से निकलते रात हो गई है भाई। दिन में मतलब 2:30 बजे के आसपास हम जाम में इसमें फंसे थे, और अब मेरे ख्याल में 7-8 बज रहे होंगे। अभी मैंने एग्जैक्टली टाइम नहीं देखा कितना हो रहा है, बट मैं बनिहाल पहुंच के बताऊंगा। अभी मैं बनिहाल तक भी नहीं पहुंचा हूं, बनिहाल भी यहां से लगभग 5-10 किलोमीटर होगा भाई साहब। अब ना ठंड और लगने लग गई है, तेज से ठंड लग रही है। और मेरे साथ में जो दूसरा बंदा है बाइक वाला, वो तो पता नहीं रही कहाँ गया है, उसका नहीं पता, वो बहुत पीछे होगा मेरे ख्याल में। तो उसका वेट या तो हम बनिहाल में करेंगे, नहीं तो आज बनिहाल में रुकेंगे। देखते बनिहाल में रुकना है या श्रीनगर जाना है सीधा हमें। फाइनली पहुंच गए हम अपने रूम में, मतलब बनिहाल में हमने रूम ले लिया है। एक्चुअली क्या रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था, 30-35 किलोमीटर के अंदर जाम था, वो भी ऐसा जाम था कि हम 2:30 बजे उस जाम में घुसे थे और अब जा कर के पहुँचे। अब रात के बज रहे हैं लगभग 8:30 से 9, बहुत बुरे जाम में फंसे रहे। और थोड़ा सा ना रुकने की भी इच्छा इसलिए कराई कि मेरी ना थोड़ी तबीयत सी डाउन सी हो रही है, पता नहीं क्या है, मतलब मन वैसा सा हो रहा है, मतलब सर में दर्द वगैरह होता है ना वो ऐसा तो हो रहा है, तो मन सा नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो इसलिए ना आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल अपने उसी टाइम पर 12:15। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।